अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के पार्ट दो, जिस पार्ट का नाम है मापक यंत्र, जिसमें हमें वर्नियर कैलिपर्स और सूक्ष्म मापी के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो इसके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इसका जो पार्ट वन बनाया गया था, तो उस पार्ट वन में 1 से 4 तक आंकिक प्रश्नों को हल कर लिया गया था, ठीक है। और साथ ही पार्ट वन में इसके जितने भी सूत्र हैं, आंकिक प्रश्नों में जो भी सूत्र यूज होते हैं, उनके बारे में भी सीख लिया गया था। अब इस पार्ट दो में जो 5 से लेकर 11 तक प्रश्न बचे हैं आंकिक वाले, इन आंकिक प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो इस 5वें आंकिक प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी के वृत्तीय शीर्ष पैमाने पर 100 खाने अंकित हैं। पेंच को 5 चक्कर घुमाने पर वह 10 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। पेंच मापी का चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि एक पेंच मापी के वृत्तीय शीर्ष पैमाने पर 100 खाने अंकित हैं, तो जो खानों की संख्या है वह तो 100 है, और पेंच को 5 चक्कर घुमाया गया है, ठीक है। मतलब जो चक्करों की संख्या है वह है 5, तो 5 चक्कर घुमाने पर 10 मिलीमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो हमें इसका चूड़ी अंतराल पता करना है और हमें इसका अल्पतमांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, चूड़ी अंतराल और दूसरा अल्पतमांक। तो जो अल्पतमांक होता है वह तो चूड़ी अंतराल पर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले हमें चूड़ी अंतराल ज्ञात करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक वृत्तीय पैमाना है, तो इस पर 5 चक्कर हमें कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। तो 5 चक्करों में जो तय दूरी है वह यहाँ से यहाँ तक है 10 मिलीमीटर। तो चूंकि हमें चूड़ी अंतराल ज्ञात करना है, तो चूड़ी अंतराल का मतलब यह होता है कि एक चक्कर में कितने मिलीमीटर की दूरी तय की गई है, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 चक्कर में 10 मिलीमीटर की दूरी तय हो रही है, तो एक चक्कर में 10/5 कर देंगे, मतलब 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अतः जो चूड़ी अंतराल होगा वह 2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, चूंकि पेंच को 5 चक्कर घुमाने पर तय दूरी बराबर 10 मिलीमीटर, तो 5 चक्कर घुमाने पर जो तय दूरी है वह 10 मिलीमीटर है, इसलिए पेंच मापी का चूड़ी अंतराल, तो चूड़ी अंतराल बराबर हो जाएगा 10/ कर देंगे जितने की चक्रों की संख्या है। तो चक्रों की संख्या है 5, तो 10/ हो जाएगा 5, तो 5 × 5 5 × 2 = 10 बराबर यह आ जाएगा 2 मिलीमीटर। तो एक आंसर हमें यह प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है अल्पतमांक, तो लिखेंगे तथा अल्पतमांक बराबर, तो अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल। देखिए, पार्ट वन में सीख चुके हैं कि जो अल्पतमांक होता है वो कई प्रकार से निकाला जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे प्रश्न में दिया क्या है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वृत्तीय पैमाना दिया हुआ है और चूड़ी अंतराल भी दिया हुआ है, इसलिए जो अल्पतमांक का सूत्र होगा वह होगा चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो यह होता है सूत्र अल्पतमांक का। तो चूड़ी अंतराल अभी अभी प्राप्त की गई है 2 मिलीमीटर, तो चूड़ी अंतराल की जगह पर लिखेंगे 2 और बटे में है वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो जो खानों की संख्या है वह है 100, तो बटे में हो जाएगा 100। तो अब 100 से हम भाग कराएंगे 2 में, तो भाग तो हो नहीं पाएगा, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। अभी यह 20 से कम है, इसलिए 1 और लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएं, तो 100 × 2 हो जाएगा 200, तो बराबर यह हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों आंसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार 6ठा क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी के पेंच को 2 चक्कर घुमाने पर वह 0.2 सेंटीमीटर चलता है। यदि उसके गोलीय पैमाने पर 50 चिन्ह हो तो उसका चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो 6ठे प्रश्न में देखिए 2 चक्कर घुमाया गया है, जबकि 5वें प्रश्न में 5 चक्कर घुमाया गया था, जबकि 6ठे सवाल में 2 चक्कर घुमाया गया है, ठीक है। मतलब जो चक्करों की संख्या है 6ठे सवाल में वह है 2, और जो तय दूरी है 5वें प्रश्न में तय दूरी थी 10 मिलीमीटर, इसमें जो तय दूरी है वह है 0.2 सेंटीमीटर, और इसमें वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या जो थी वह तो 100 थी, जबकि इसमें कहा गया है कि यदि उसके गोलीय पैमाने पर 50 चिन्ह हो, ठीक है, मतलब इसमें जो खानों की संख्या है वह है 50, तो खानों की संख्या इसमें है 50, ठीक है, खाने कह लें या चिन्ह कह सकते हैं इन्हें। तो इस 6ठे प्रश्न में लिखेंगे, चूंकि पेंच को
दो चक्कर घुमाने पर तय दूरी बराबर 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। इसलिए पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 / 2। ठीक है, क्योंकि चक्रों की संख्या इस बार दो है, तो इस दो से यह दो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक, तो बराबर में हो जाएगा 0.1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था, तो 0.1 और इसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा जो इसका अल्पतमांक होगा वह क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल अभी अभी प्राप्त की गई है 0.1, तो 0.1 और बटे में रखेंगे वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या या चिन्हों की संख्या। तो चिन्ह कितने हैं, 50, तो बटे में हो जाएगा 50। तो जब यह दशमलव कटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/500, तो बराबर 1/500। अब 500 से हम भाग करा लेंगे एक में, तो जब 500 से एक में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाएंगे, कम है तो फिर जीरो लगाएंगे, यहाँ फिर जीरो लगेगा, अभी भी कम है तो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और 500 × 1000, तो यह आ जाएगा 0.002। और चूंकि जो मापे दी हुई हैं वो सेंटीमीटर में हैं, इसलिए इसका मात्रक भी सेंटीमीटर रखेंगे, अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और दूसरा आंसर यह हो जाएगा। अब सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक स्क्रू गेज के वृत्ति पैमाने पर 100 खाने हैं तथा पेंच को दो चक्कर घुमाने पर वह 2 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। एक पतले तार का व्यास नापते समय स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 मिलीमीटर तथा वृत्ति पैमाने का पाठ्यांक 55 है, अर्थात यह 55 चिन्ह दिया हुआ है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए, जबकि यंत्र में 0.06 मिलीमीटर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो इस प्रश्न में हमें तार का व्यास ज्ञात करना है। तो जो तार का व्यास होता है वह होता है मुख्य पैमाने का पाठ प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ। ठीक है, जबकि हमारे प्रश्न में इनका पाठ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो पाठ्यांक होता है वह या तो सेंटीमीटर में दिया होगा या मिलीमीटर में दिया होगा, जबकि यहाँ पर जो पाठ्यांक है वह चिन्हों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम वृत्ति पैमाने का पाठ पता कर लें, तो लिखेंगे मुख्य पैमाने का पाठ बराबर 3 तथा वृत्ति पैमाने का पाठ। तो वृत्ति पैमाने का जो पाठ होता है वह होता है अल्पतमांक गुणे चिन्ह या खानों की संख्या। ठीक है, तो वृत्ति पैमाने का पाठ पता करने के लिए हमारे पास अल्पतमांक होना चाहिए। तो अल्पतमांक भी अभी पांचवें और छठे सवाल में निकालना सीख चुके हैं, जो कि होता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल 2/2 मतलब एक रह जाएगा जब 2/2 करेंगे। ठीक है, तो एक और बटे में वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो वृत्ति पैमाने पर जो खानों की संख्या है वह 100 है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है एक स्क्रू गेज के वृत्ति पैमाने पर 100 खाने हैं। तो इस वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या की जगह पर लिखेंगे 100, तो यह हो जाएगा 1/100। तो बराबर इस अल्पतमांक की जगह पर लिख सकते हैं 1/100 और गुणे वृत्ति पैमाने का जो पाठ्यांक है वह है 55 चिन्ह, तो गुणे में हो जाएगा 55। तो यह हो जाएगा 55 * 55 और बटे में है 100। ठीक है, तो जब 100 से हम 55 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.55, जो कि इसका मात्रक भी मिलीमीटर ही रहेगा। अब हम तार का व्यास पता कर सकते हैं यह वाला सूत्र लगाकर, तो लिखेंगे इसलिए तार का व्यास बराबर, तो तार का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का पाठ प्लस वृत्ति पैमाने का पाठ। तो मुख्य पैमाने का पाठ 3 मिलीमीटर, तो 3 प्लस वृत्ति पैमाने का पाठ आया है 0.55। तो जब हम 3 में 0.55 जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो हमें प्राप्त होगा 3.55, तो इक्वल टू 3.55, जो कि इसका मात्रक रहेगा मिलीमीटर में। तो आंसर हमारा यही हो जाता, बट प्रश्न में यह भी साथ में कहा गया है कि जबकि यंत्र में 0.06 मिलीमीटर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, मतलब इस प्रश्न में शून्यांक त्रुटि भी दे रखी है। तो लिखेंगे अब चूंकि यंत्र में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि दी हुई है 0.06 मिलीमीटर,
और चूंकि यह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है इसलिए यह माइनस में रहेगी, ठीक है, और धनात्मक शून्यांक जो त्रुटि होती है वह प्लस में होती है। तो तार का व्यास पता करने के लिए जो यह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि आई है इस त्रुटि को हम घटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः अब तार का व्यास बराबर, तो तार का व्यास पहले था 3.55 जिसमें से शून्यांक त्रुटि भी आ गई है 0.06 जो कि ऋणात्मक है, तो इसको हम घटा देंगे, तो 3.55 माइनस घटाएंगे कितना, माइनस का 0.06, तो क्या हो जाएगा 3.55, तो जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 0.06, अब यह जुड़ जाएगा तो जब हम 3.55 में 0.06 ऐड करेंगे तो 6 5 11 हाथ से ले 6 और इधर हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 3.61, तो बराबर यह हो जाएगा 3.61 जो कि इसका मात्रक मिलीमीटर होगा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अभी इस 8वें प्रश्न में कह रहा है कि एक गोलाई मापी कि दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसको किसी गोलाकार पृष्ठ पर रखने से उसका पाठ्यांक 2 मिलीमीटर आता है, गोलाकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 8वें प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए जो कि होता है आर बराबर एल स्क्वायर अपान 6h प्लस एच अपान 2, तो इसमें जो L होता है, ठीक है, वह दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी होती है और जो H होता है वह होता है पाठ्यांक और R तो वक्रता त्रिज्या है ही। तो हमारे प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि एक गोलाई मापी की दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जो यह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यह है L क्योंकि दो बाहरी टांगों के बीच की दूरी दी हुई है, तो L बराबर है 3 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि इसको किसी गोलाकार पृष्ठ पर रखने पर उसका पाठ्यांक 2 मिलीमीटर आता है, तो पाठ्यांक जो होता है वह h होता है, तो h हमारे पास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर और r हमें ज्ञात करना है जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मात्रक दिए हुए हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर है यहाँ पर मिलीमीटर है, तो इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर बना सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वह 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, तो 2 मिलीमीटर में हम सेंटीमीटर कैसे पता करेंगे, 10 से भाग कराकर पता कर सकते हैं, तो बराबर यह हो जाएगा 2/10, जैसे ही यहाँ पर 2/10 करेंगे यह बन जाएगा सेंटीमीटर में, तो जब हम 10 से 2 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.2 सेंटीमीटर। तो अब इस सूत्र से हम वक्रता त्रिज्या पता कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए वक्रता त्रिज्या r बराबर सूत्र लगाएंगे l स्क्वायर अपान 6h प्लस h अपान 2। अब इसमें सबके मान रख दें, तो L का मान हमारे पास है 3, तो यह हो जाएगा 3 और स्क्वायर भी है तो 3 स्क्वायर अपान 6 इनटू H, तो H का मान है 0.2 सेंटीमीटर, तो इस H की जगह पर रखेंगे 0.2 और प्लस H का मान पुनः फिर रखेंगे 0.2 अपान में ऑलरेडी 2 है, तो अब इसे हल कर लें तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 0.1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है और इधर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 अपान 6 दूनी 12 हो जाएगा और 1 पर दशमलव लगाएंगे तो 1.2 हो जाएगा प्लस इधर बचेगा 0.1, तो जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 6 से दोनों संख्या कट जाएंगी तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, तो यह हो जाएगा 15/2, मतलब 2 से हमें 15 में भाग कराना होगा तो हमें प्राप्त होगा 7.5, ठीक है, क्योंकि 7.5 दूनी 15 तो बराबर 7.5 प्लस 0.1, तो जब 7.5 में 0.1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.6, तो बराबर 7.6 जिसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर क्योंकि सब कहीं सेंटीमीटर है, ठीक है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए गोलाई मापी की बीच की टांग क्षैतिज धरातल से 1 मिलीमीटर ऊंची करनी पड़ती है, यदि गोलाई मापी की स्थिर टांगों से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनता है,
तो उस सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यह नवा प्रश्न भी आठवें प्रश्न के जैसा ही है, ठीक है, इसमें भी हमें वक्रता त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। तो इस नवे प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस नवे प्रश्न में जो L है वह है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोलाई मापी की स्थिर टांगों से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है, मतलब जो टांगों के बीच की दूरी है वह है 6 सेंटीमीटर, तो L तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इसमें जो एच है वह है 1 मिलीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोलाई मापी की बीच की टांग क्षैतिज धरातल से 1 मिलीमीटर ऊंची करनी पड़ती है, अर्थात जो एच है वह है 1 मिलीमीटर, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना होगा, जैसे कि आठवें सवाल में मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाया गया था। तो जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो हमें 10 से इसको भाग कराना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 1/10। तो जैसे ही यहाँ पर 1/10 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, तो जब हम 10 से 1 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.1 सेंटीमीटर, और इसमें हमें वक्रता त्रिज्या आर ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर / 6 × h का मान है 0.1, तो 0.1 प्लस h का मान 0.1 अपान में हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 6 × 36 / 6 × 0.1 में कराएंगे तो 0.6 हो जाएगा, प्लस जब यह दशमलव कटेगा तो 1 नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/20, और जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 6 × 6 = 36, तो यह हो जाएगा 60, तो बराबर 60 और प्लस 20 से 1 में हमें भाग कराना होगा इस प्रकार से। तो 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, कम है तो 0 लगाएंगे, फिर 0 20 25 100, तो यह हो जाएगा 0.05। तो जब हम 60 में 0.05 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60.05, जिसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब दसवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बैरोमीटर के मुख्य स्केल पर मिलीमीटर में निशान अंकित हैं। यदि उसके मुख्य स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भाग के बराबर हों, तो बैरोमीटर में मिलीमीटर के किस अंश तक पढ़ा जा सकता है। तो पढ़ा जा सकने वाला अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, पार्ट वन में हम सीख चुके हैं, वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग गुणे LC, तो जो LC होता है वह अल्पतमांक होता है, ठीक है, जिसके बारे में पार्ट वन में सीख चुके हैं। तो LC कैसे निकालते थे पार्ट वन में, तो इसका सूत्र होता था मुख्य पैमाने के एक भाग की माप बटे खानों की संख्या। तो चूंकि इसमें टोटल भाग 20 हैं, तो एक भाग की माप कितनी हो जाएगी, 1/20 करेंगे और इसके बटे भी 20 करेंगे, ठीक है, पार्ट वन में ऐसे ही तो करते थे। तो LC हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, और जो वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग है वह तो 19 है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि उसके मुख्य स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भाग के बराबर हो, ठीक है, मतलब जो मिलने वाला भाग है वह है 19 और गुणे LC कैसे निकालेंगे, 1/20 और इसके बटे करेंगे 20। तो अब इसको हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 19 × 1/20, यह जो 20 है यह बटे के बटा ही रहेगा, 1/20, और यदि इसको भी भिन्न मान लें कि 20/1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा जब इस बटे को गुणा बनाएंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/400, तो हम यहाँ पर 1/400 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 19 × 19/400। अब 400 से हम 19 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.0475, ठीक है, जिसका मात्रक रखेंगे मिलीमीटर, ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफी होते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ तक हैं, तो जब हम तीसरा अंक हटाते हैं तो यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा होता है या 5 ही होता है तो उससे पहले वाला 1 अंक बढ़ जाता है, ठीक है, यह तो सब कुछ जान ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 0.0 हो जाएगा, और जब इस 7 और 5 को हटाएंगे, मतलब जब इस 7 को ही हटाएंगे, ठीक है, तो चूंकि 7 जो है यह 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला 1 अंक बढ़ जाएगा, तो जो यह 4 है तो इस 4 की जगह पर हो जाएगा 5 मिलीमीटर। तो इन दोनों आंसरों में से कोई भी एक आंसर रख सकते हैं, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।
अब 11वें प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है, इससे 0.0005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप लेने के लिए वृत्ति पैमाने पर कितने भाग होने चाहिए। तो देखिए जो चूड़ी अंतराल वाला सूत्र होता है वह होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल और बटे में होता है वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो हमारे इस 11वें प्रश्न में चूड़ी अंतराल दिया हुआ है, अल्पतमांक भी दिया हुआ है, तो हमें वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में देखें चूड़ी अंतराल दी हुई है 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि एक पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इससे 0.0005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप लेने के लिए वृत्ति पैमाने पर कितने भाग होने चाहिए। तो जो यह 0.0005 दिया हुआ है यह अल्पतमांक दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे वृत्ति पैमाने पर बने खानों की संख्या या भागों की संख्या। तो चूंकि प्रश्न में भाग की बात की गई इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया भागों की संख्या। तो इस सूत्र से तो अल्पतमांक हमारे पास है 0.0005 बराबर चूड़ी अंतराल है 0.05 अपान में वृत्ति पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, तो यदि इसके नीचे एक मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0.0005 गुणे वृत्ति पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वृत्ति पैमाने पर बने भागों की संख्या की गुणा हो जाएगी 0.005 से, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर गुणे में 0.005 है, तो इधर क्या हो जाएगा 0.05 की गुणा 1 से कराएंगे तो 0.05 और जो यह इधर गुणे में हो जाएगा 0.005 तो उसको उठाकर जब इधर लाएंगे तो वह बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.005। तो ऊपर दशमलव के बाद दो ही अंक हैं जबकि नीचे दशमलव के बाद, तो जब ये दशमलव कटेंगे तो हमें दशमलव के बाद अंक भी पूरे करने होंगे। तो नीचे दशमलव के बाद अंक थे 4, ऊपर थे 2, तो ऊपर हमें 2 जीरो लगाने होंगे। तो नीचे हमारे पास बचेगा 5, ऊपर हो जाएगा 500, तो 5 अक्कम 5 और 2 जीरो, तो बराबर यह हो जाएगा 100। तो चूंकि ये भागों की संख्या है तो यहाँ पर लिख दें भाग, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से पाठ 2 के जितने भी आंकिक प्रश्न थे उनको हल कर लिया गया है।